वेलकम टू आवर चैनल फाइव स्टार अनबॉक्सिंग। और आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं किचन से रिलेटेड आइटम, और ये है हमारा इलेक्ट्रिक गैस लाइटर। गाइस आप इसे कैंडल लाइटर भी कह सकते हैं, इससे कैंडल भी लाइट हो जाती है। चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। ये हमारा लाइटर है गाइस। इसके साथ में आपको एक कनेक्टिंग केबल मिलती है, और ये हमारा लाइटर है। यू कैन सी काफ़ी स्लीक सा डिज़ाइन है इसका। ये इसका डिज़ाइन है। इसमें यहाँ पर ये पावर केबल दी हुई है, ये ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है। आप जब ऑन ऑफ का स्विच ऑन करते हैं उसके बाद इसको पावर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये ऑन हो जाएगा। यू कैन सी इस तरीके से इसमें ये स्पार्क आ रहा है। इसमें किसी भी तरीके का फ्लेम नहीं आता है बिकॉज इसमें गैस यूज नहीं होती है, और आपको इसमें किसी भी तरीके की कोई स्मेल नहीं आएगी। ब्यूटेन की जो स्मेल होती है, जो नॉर्मल आप ट्रेडिशनल लाइटर यूज़ करते हैं उसमें आती है, वो इसमें किसी कोई भी स्मेल नहीं आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर, ये आपका इसमें कितनी बैटरी है ये शो करता है, यहाँ पे जो आप इसमें डॉट्स देख सकते हैं। और ये गाइस चार्जेबल है, इसमें आपको जब भी आपकी इसमें बैटरी डाउन हो जाएगी आप इसको आराम से चार्ज कर सकते हैं। एज़ पर द डिस्क्रिप्शन इसमें 10 डेज़ की चार्जेबल चार्जर रहती है। आप एक बार चार्ज कर देंगे 10 डेज तक इसमें रहेगा। मैं आपको इसमें एक बार चार्ज करके दिखा देती हूँ। ये इसकी केबल है, इस तरीके की केबल है। मैंने अपने फ़ोन की केबल यहाँ पर लगा रखी है, मैं इसे आपको एक बार लगा कर दिखा दी हूँ। सो ये हमने चार्जिंग केबल लगा दी है। कैन सी ये हमारा जो भी लाइटर है ये चार्ज हो रहा है। एक इसकी एक और खासियत है गाइज, इसका जो नेक है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है। इसमें जो स्प्रिंग लगी हुई है फ्लेक्सिबल है, आप किसी भी डायरेक्शन में इसको रोटेट कर सकते हैं। 360 डिग्री रोटेट हो जाती है। आप इसे आराम से कोई कैंडल वगैरह कि जिस भी डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में लेके लाइट कर सकते हैं। इस तरीके से हल्का सा इसमें साउंड आता है और इससे ये लाइट हो जाएगी। आप इससे कैंडल भी लाइट कर सकते हैं। मैं एक बार इससे आपको गैस लाइट करके दिखा देती हूँ, तो चलिए इसको दिखाते हैं एक बार। सो गाइस ये मेरी गैस है। मैंने यहाँ से सबसे पहले इसको ऑन किया, उसके बाद मैं यहाँ से प्रेस करूँगी। सो गाइस ये देख सकते हैं आप, लाइट हो गई। इस तरीके से ये आराम से लाइट हो जाएगी। बहुत ही ईजी है इसको ऑपरेट करना। साथ ही गाइज इसमें जो डबल सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो भी बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले आपको इस पावर स्विच को ऑन ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद जब आप ऑन ऑफ करेंगे तभी ये ऑन होगी। तो इनकेस बच्चों के हाथ में भी लग जाती है तो आपको कोई भी डर नहीं है इसका। सेकेंडली इसमें किसी भी तरीके की कोई गैस यूज नहीं होती है, तो इसलिए भी बहुत अच्छी है और काफ़ी दिन तक चलेगा बिकॉज दिस चार्जिंग फैसिलिटी की वजह से आराम से रिचार्ज हो जाएगा। सो गाइज दिस इज़ वेरी गुड। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं ये आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। और अगर आप ये प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, इसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से बाय कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।